हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो सुबह के बजे हैं अभी 3 और अभी हम लोग निकले हैं हरिद्वार के लिए, और नोनी भी उठ के यहाँ पे खड़ी हो गई है। और हम लोग जल्दी इसलिए निकले हैं क्योंकि फिर हम ना टाइम से थोड़ा पहुँच जाएंगे, और आज रात को ये हमें वापस भी आना है। इधर देखो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? और हम 4 लोग साथ में जा रहे हैं, नोनी, नोनी के पापा और नोनी का मामा और मैं। कितने घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में? 4 घंटे? हरिद्वार चलने की तैयारी में मैंने शाम को ही कर रही थी क्योंकि पहले ना प्लानिंग नहीं थी, पहले तो हमारी मनाई हो गई थी क्योंकि फिर रात को नहीं फिर रात को 11 बजे से पता था छुट्टी मिल गई। पहले इसको छुट्टी नहीं मिल रही थी तो फिर रात को 11:30 बजे इसको कन्फर्म हुआ कि हाँ छुट्टी मिल जाएगी, तब हम लोग ने फिर प्लानिंग की जाने की। पहले तो हमने मनाई करी थी कि नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे देखेंगे, तो जब रोहित को छुट्टी मिल गई तो उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात को हम लोग नहीं, क्योंकि पैकिंग तो मैंने ऑलरेडी कर ली हुई थी। तो गाइस, जब हम लोग ना कहीं सफर में जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सारी प्लानिंग पहले कर लेती हूँ, खाने पीने का सारा सामान, तो मम्मी का भी खाने पीने का सामान, का दूध चाय वगैरह बना के ना जो गर्म होने वाली कैटल होती है ना उसी में भर लेती हूँ, और फिर रास्ते में हम लोग चाय पीते हुए इंजॉय करते हुए चलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रास्ते में ना ऐसी जगह होती है कि चाय वगैरह नहीं मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि चाय बना के पहले ही रख लेती हूँ। तो अभी ना मतलब थोड़ा सा ना गाड़ी चल रही थी तो इन लोगों को 6 बज गए थे, तो इनको थोड़ी सी चाय पीने की हुई, तो मैंने इनको ना चाय पीने के लिए दे दी। उसके बाद फिर दिन ही निकलने वाला था क्योंकि 6 बजे ऑलरेडी दिन ही निकल जाता है, तो आप देख सकते हो कि 6:30 बजे कर चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं मेरठ। और मेरठ जाने के बाद ना अभी बोल रहे हैं कि CNG भरवाएंगे वहाँ पे, और यहाँ पे भी ना गोली उठ गई थी, तो अभी हम लोग CNG भरवा रहे थे तो अभी हरिद्वार पहुंचने में हमें 2.5 से 3 घंटे पूरे लगेंगे क्योंकि अभी 7:30-8 हो चुके हैं। और अब नोनी भी उठ गई है तो नोनी को भी मैंने चलते चलते ही कुछ खिला पिला देती हूँ क्योंकि इस टाइम तक ना इसको भी भूख लगी होगी, और सुबह 3 बजे हम लोग उठ गए थे तो जब हम लोगों को भूख लग चुकी है तो नोनी को भी भूख लगी होगी। तो अभी नोनी पी रही है यहाँ पे जूस क्योंकि मैं ना इसके लिए फ्रूटी वगैरह लेकर आई थी, तो नमकीन वगैरह या फिर कुछ इसके खाने का सामान, क्योंकि रास्ते में ना बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो इसका खाने पीने का सामान मैं ऑलरेडी रख लेती हूँ। तो अभी हम लोग इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं हरिद्वार, और अपनी गाड़ी से जाने का तो अलग ही मज़ा होता है, ना कोई टेंशन, ना कोई किचकिच, ना पिक पिक, जहाँ मर्जी गाड़ी रोक लो, जहाँ मर्जी चल दो, जहाँ मर्जी नाश्ता वगैरह या खाना पीना खाना है वहाँ खा सकते हो, और जितना मर्जी सामान लेके जा सकते हो, तो ये तो फ़ायदा होता है गाड़ी का।
और यहाँ पे नोनी फिर से सो गई थी। और फिर हमने दूसरे पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी, क्योंकि जहाँ हमने लास्ट टाइम गैस भरवाई थी तो वहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था गैस का, तो हम लोगों ने ना फिर रास्ते में पेट्रोल और गैस दोनों भरवाई थी। तो गाइस अभी हमने रास्ते में रुक के गैस भरवाई है और गैस की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है तो इसके लिए वेट करना पड़ रहा है। नोनी गई है उधर अपने मामा के साथ। यहाँ से जो रास्ता है हरिद्वार का वो अभी यहाँ से हमें लगेगा 1 घंटा अभी लगेगा हमें पहुँचने में। इधर आओ, इधर नो नो, इधर आओ। पैर गंदे कर लिए आपने, सैंडल नहीं पहने? अच्छा अच्छा, यहाँ बैठ गई। हाँ नो नो, अच्छा लगता है बाहर घूम के, ठंडी ठंडी हवा है। इधर थोड़ा ठंडा सा मौसम हो गया ना इधर। खुद के दिखा रही है फिर कब। गैस भरवाने के बाद फिर हम लोग निकल गए हरिद्वार के लिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ से पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, पूरा 1.5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि रास्ते में कई जगह ना ट्रैफिक भी मिला था। लेकिन यहाँ की रोड जो है वो क्लियर है तो मुश्किल से हम लोग पहुँच जाएंगे, 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो गाइस फाइनली हमें पहाड़ दिख चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अभी हरिद्वार के पास, पहुंच चुके हैं अभी। यहाँ से आधा घंटे में हम लोग हर की पौड़ी पे पहुंच जाएंगे।
बहन जी आपकी करनी है आपकी देखनी है बस भिगोना मत इसको, ऐसे एंजॉय करने दो, पानी में मत भिगोना इसको। वो ठंडा पानी है भाई, तो हरिद्वार में नहाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ खाया पिया और यहाँ की जो आरती थी ना वो बहुत ही अच्छी होती है, तो हम लोगों ने वो देखी। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि हम लोग ना उस टाइम पे स्नान कर रहे थे, तो वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि फ़ोन पानी में लेके जा नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। तो गाइज़ मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।